हेलो फ्रेंड्स, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के इस वीडियो चैनल पर मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। और आज की टिप दोस्तों है वो थोड़ी डेस्कटॉप पब्लिशिंग से थोड़ी अलग हटके है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास मोर्फो डिवाइस है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर ये डिवाइस आपके पास है तो आप इसको अपने कंप्यूटर में किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की टिप थोड़ी अलग है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के बारे में नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है दोस्तों कि आजकल मोबाइल शॉप्स पे भी और सब जगह ये डिवाइस अवेलेबल हो रहा है, फिंगरप्रिंट डिवाइस और आधार कार्ड बनने के लिए। कई बार जो उनके भाइयों के पास शॉप्स है, जो सीएससी सेंटर्स हैं, उनके पास ये डिवाइस है और वो कुछ फॉर्म बनना चाहते हैं जहाँ पे ई केवाईसी की जरूरत होती है, तो वो इस डिवाइस को अपने पीसी पे किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की टिप में आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने डिवाइस मैनेजर में डाला हुआ है और लगाने पर यहाँ शो करता है MSO 1300E3। ये डिवाइस यहाँ शो करता है, लेकिन इसका ड्राइवर दोस्तों जल्दी आप इसको, होता क्या है कि जो मोबाइल जिन पर डिवाइसेस है, जिन्होंने रिलायंस जियो के वो सबसे ले रखे हैं और रिलायंस जियो सिम बेचते हैं, तो मोबाइल पर तो इसको एक्सेस कर पाते हैं लेकिन पीसी में इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं या डेस्कटॉप लैपटॉप पर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो टिप है मेरी इसी पर निर्भर है कि हम मोर्फो जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको विंडोज लैपटॉप पीसी पे किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये डिवाइस आजकल जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि बैंकों में भी और जितनी भी दुकानें हैं लगभग जहाँ पे रिलायंस जियो के आजकल सिम बिक रही हैं, सभी जगह यही डिवाइस आम हो गया है। और ये डिवाइस मोबाइल पर तो बड़े आराम से उसमें एक्टिवेट हो जाता है, पर लैपटॉप पीसी पे इसका ड्राइवर जल्दी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मेरे से दोस्तों मेरे पास ये ड्राइवर रखा हुआ है, हाँ मेरे पास सिस्टम पर है ऑलरेडी, सब मैंने डाउनलोड कर रखा है और इसको मैं लिंक बता दूँगा आप इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो डिवाइस है आप उसको अपने जो सपोर्ट है उस पर कनेक्ट करें, और कनेक्ट करने के बाद आप कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप अपने विंडोज एक्सप्लोरर खोलिए। वहाँ खोलने के बाद आप कंप्यूटर जहाँ लिखा हुआ है या यहाँ कंप्यूटर है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक कर सकते हैं और इस पर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद जो आपका कंट्रोल पैनल आइटम्स हैं ये खुल जाता है, जो सिस्टम है वो खुल जाता है। आप यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करें, आप यहां देखेंगे दोस्तों यहां आने के बाद जो डिवाइस है ये आपका इस तरीके से शो करता है, यानी इस पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है और ये मोर्फेस जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है वो ये शो करता है। तो दोस्तों आप जो सेटअप फाइल्स हैं आप सेटअप फाइल में खोलेंगे, जैसे आप मैं जहां मैं आपको डाउनलोड लिख दूंगा, आप खोलने के बाद अब दोस्तों जो सेटअप है इस पर सेटअप नहीं चलाएंगे, क्योंकि सेटअप चलाने के बाद भी आपका डिवाइस है वो एक्सेस नहीं करता है। तो आप सिर्फ जो डाउनलोड ये आपको लोकेशन है फाइल्स हैं ये मैं आपको डाउनलोड लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसको सिर्फ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करना क्या है दोस्तों, आप वापस से जाओ यहीं जाएंगे और इस पर जाने के बाद आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पर जाएँ, सॉरी अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर जाएँ, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी ये विंडो खुल जाती है। इसके बाद आप सर्च ऑटोमेटिकली पर क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इंटरनेट कनेक्टेड हैं भी तो भी ये डिवाइस जो है इसका ड्राइवर अपने आप नहीं लेता है। आप करेंगे ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर ऑन माई कंप्यूटर, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप शो ऑल डिवाइस पर क्लिक रहने दीजिए और नेक्स्ट करें। इसके बाद करने के आप हैव डिस पर क्लिक करें और जो लोकेशन आपने यहाँ सेव कर रखी, जहाँ आप सेव करेंगे अपने डिवाइस ड्राइवर को, जहाँ जो आपको डाउनलोडिंग मिलेगा आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद, तो यहाँ अपलोड करिएगा, क्योंकि ये जो ड्राइवर है 64 बिट के लिए है। आप इसको वहीं जहाँ अपने सिस्टम प्रॉपर्टीज चेक करेंगे या सिस्टम प्रॉपर्टीज पर आकर आप यहाँ दिखाता है कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है। तो अगर 64 बिट है तो आप जो ड्राइवर डाउनलोड करें यहाँ पे 64 बिट का है, मैं आपको इसी में नीचे डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में 32 बिट का ड्राइवर भी डाल दूंगा, आप उसको अगर सिस्टम आपका 32 बिट का है आप उसको वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ आइए और इस लोकेशन को मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ जहाँ पे ड्राइवर लोकेशन पड़ी हुई है, यहाँ आने के बाद मैं इस पर यहाँ पेस्ट कर दूंगा और ओके करूँगा। और करने के साथ ही यहाँ पे आप देखें 4-5 डिवाइस शो कर देगा जो सेगम के हैं, सेगम मोर्फो स्मार्ट के हैं। अब जो डिवाइस ये बिक रहे हैं जो सीजर डिवाइस है, जनरली ये डिवाइस है इसका मॉडल नंबर 1300E2 जो भी है, तो 1300 सीरीज के हैं। तो आप इसको जो 1300 सीरीज वाला है MSO 1350 का, आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के साथ ही ये वार्निंग देगा, उसको ओके यस करना है। यस करने के साथ ही आप देखेंगे विंडोज है सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर, यानी अगर आप इसको सेटअप चला रहे हैं तो ये अपडेटेड नहीं होता है, लेकिन अगर आपने इसको इस तरीके से किया तो आपका ये 100% इस डिवाइस को ले लेगा। उसके साथ ही आप यहाँ गायब हो जाएगा और यहाँ पर ये सेगम का डिवाइस ऑफ करेगा और इसके साथ ही आपको यहाँ पे इसका बायोमेट्रिक डिवाइस है भी इसका एक अपने आप ये ऐड हो जाता है ये डिवाइस।
तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने इस लैपटॉप में। और उसके बाद दोस्तों एक सेटअप फाइल और है जो उसके सपोर्ट फाइल्स हैं, सेटअप मोड फॉर सीएमबी जो फाइल ने नाम दिया हुआ है, आपको इसको रन करना पड़ेगा। इसके सपोर्ट फाइल्स हैं, आप जैसे रन करेंगे तो आपको ये कंप्यूटर मांगेगा एक्सेस कंट्रोल के हिसाब से, यस करेंगे इसके बाद और इसके बाद नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देंगे। इसके बाद ये जो आपका डिवाइस है ये प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। आप किसी भी जो उसमें डिवाइस यूज कर रहे हैं, आप ई केवाईसी के लिए या फिर इसको सिस्टम पे कनेक्ट कर रखे हैं थंबनेल इंस्पेक्शन लेने के लिए, तो ये आपका डिवाइस प्रॉपर वर्क करेगा आपके विंडोज और लैपटॉप पीसी पर। तो दोस्तों ये टिप आज की थी, आपको कैसी लगी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को, जो मेरा चैनल है, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं मेरे httptips.com को। आप यहाँ से जितने भी सारी वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, आप इनको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जो मेरी सारी वीडियोस आ रही हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, सॉरी ये वीडियोस हैं, जितनी भी वीडियोस मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं ये अपने इस साइट पे, आप वो सारी साइट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, सारे वीडियोस को जो यूट्यूब पर डाली हुई हैं एक साथ। और दोस्तों इसके अलावा भी ये यहाँ कम्युनिटी टॉक है, आप यहाँ भी जा करके कम्युनिटी टॉक पर भी आकर के आपके लिए क्वेश्चन हैं या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन नए क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, फॉर्म में डाल सकते हैं और यहाँ से भी आप मेरे सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और चीज़ जो जानकारी है आपसे जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को फेसबुक और उस पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आप इसको मेरे चैनल को जो डेस्कटॉप पर पब्लिशिंग टिप है यूट्यूब पे, आप वहाँ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को यहाँ पे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और फेसबुक का भी कमेंट वर्किंग नाउ राइट नाउ, आप इसको फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और इससे मुझे क्या है कि इंक्रीमेंट मिलेगी आपको नई नई टिप बताने की। धन्यवाद दोस्तों।